गाइस सामने की तरफ वो सीक्रेट शोरूम है जिसके ऊपर जाने के लिए हमें यहाँ से जंप मारनी पड़ेगी। और भाई ये क्या हो गया? यो व्हाट्स अप फेसबुक इंस्टाग्राम गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज की वीडियो के अंदर हम खेल रहे हैं इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम। तो गाइस जैसा कि आप सभी लोगों को याद होगा, लास्ट एपिसोड में हमें जैक नाम का बंदा मिला था जिसने हमें चैलेंज दिया था एक बहुत बड़े इम्पोसिबल ट्रैप को कम्प्लीट करने का। और अगर हम जैक का चैलेंज एक्सेप्ट करके उस बहुत बड़े इम्पोसिबल ट्रैप को कम्प्लीट कर देते तो हमें मिलती एक बहुत महंगी गोल्डन फरारी। तो गोल्डन फरारी के लिए हमने जैक का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद हमने बहुत मेहनत के बाद उस इम्पोसिबल ट्रैप को कंप्लीट कर दिया। एंड जब हम उस इम्पोसिबल ट्रैप को कंप्लीट करने के बाद जैक के पास गए थे अपनी गोल्डन फरारी लेने के लिए, तो जैक ने हमें वो गोल्डन फरारी देने से मना कर दिया और उसने हमसे कहा कि तुम 2 दिन बाद मेरे घर पे आना, मैं तुम्हें वहां पे गोल्डन फरारी भी दूंगा एंड एक ऐसा काम बताऊंगा जिससे तुम बिलियनर बन जाओगे। तो इसलिए गाइस अभी हम जाने वाले हैं जैक के घर पे, वहां से अपनी गोल्डन फरारी लेके आएंगे एंड देखते हैं जैक हमें ऐसा कौन सा काम बताता है जिससे हम लोग बिलियनर बन जाएंगे। और गाइस मुझे अभी रेलवे स्टेशन पे रह के अपनी जिंदगी काटनी पड़ रही है क्योंकि अपने पास एक भी घर नहीं है, तो हमें एक अच्छा सा घर भी खरीदना पड़ेगा। फिलहाल अपने पास कोई कार नहीं है तो पहले यहाँ से कार चुरा लेते हैं। तो चलो भैया बहुत देर हो गई, तो मैं आप फटाफट से अपनी गाड़ी हमें दे दो, बहुत देर से चला रहे हो। और सुनो, अगर तुमने पुलिस को बताया कि तुम्हारी कार चुर गई है तो भैया यहीं पे आके मारा जाएगा तुम्हें, समझ गए? तो ओके गाइस अभी यहाँ से हमें एक मस्त ऑडी मिल चुकी है जिसको चलाने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और जैक अगर यहाँ से थोड़ी ही दूरी पे है तो फटाफट से पहुंचते हैं जैक के घर पे। ऑलराइट गाइस, सो अभी हम आ चुके हैं जैक के घर पे। आप लोग इसका घर देखो, रुको ये देखो भाई कितना बड़ा घर है यार इसका, सच में काफी ज्यादा पैसा है इसके पास। और मेरी गाड़ी की हालत तो देखो भाई, मैंने कितनी बुरी तरह ठोका है इसको। तो चलो कोई बात नहीं यार, अपनी गाड़ी दौड़ गई जो अपने को प्रॉब्लम होगी, पता नहीं किसकी गाड़ी थी। फिलहाल इसका घर यार मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, काश अपने पास भी कोई ऐसा ही घर होता तो मजा आ जाता। तो फिलहाल अभी यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से जैक के पास कॉल लगाते हैं एंड उसको यहाँ पे बुला लेते हैं। ओके गाइस, सो काफी ज्यादा वेट करने के बाद जैक यहाँ पे आ चुका है। अब इससे बात करते हैं ये हमारी गोल्डन फरारी कब देगा और ये हमें कौन सा काम बताएगा जिससे हम लोग बिलियनर बन जाएंगे। तो ओके गाइस अभी मेरी जैक से बात हो चुकी है और ये मुझसे कह रहा है मेरा एक दुश्मन है स्टीव नाम का, उसने अभी कुछ दिनों पहले ही एक सीक्रेट शोरूम खोला है और उस शोरूम के अंदर उसने बहुत ही महंगी महंगी लग्जरी कार से खड़ी करी है जिससे वो बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है। तो जैक चाहता है कि हम लोग जाके उसके शोरूम के अंदर जितनी भी कार खड़ी है उन सबको ब्लास्ट कर दे क्योंकि स्टीव ने उन सभी कार के ऊपर अपना सभी पैसा लगा रखा है। और अगर हम लोग उन कार को ब्लास्ट कर देते हैं तो स्टीव का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा जिससे वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। लेकिन गाइस वो शोरूम को ब्लास्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है क्योंकि वो शोरूम जमीन के ऊपर बना हुआ ही नहीं है, वो हवा में बना हुआ है। अब आप कहोगे भाई ये कैसे हो सकता है, हवा में शोरूम कैसे हो सकता है? तो मुझे पता है आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं होने वाला है, तो मुझे आपको दिखाना ही पड़ेगा। तो चलो फटाफट से उसी लोकेशन पे चलते हैं जहाँ पे वो शोरूम बना हुआ है। तो ओके गाइस अभी हम उसी लोकेशन पे आ चुके हैं जहाँ पे वो शोरूम बना हुआ है और आप लोग खुद देख सकते हो सामने की तरफ बना हुआ है वो सीक्रेट शोरूम। और ये शोरूम पूरी तरीके से हवा में बना हुआ है तो इसको ब्लास्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, तो इसलिए हम लोग शोरूम को तो ब्लास्ट नहीं कर सकते, बट इसके अंदर जितनी कार खड़ी हैं हम लोग उन कार को ब्लास्ट कर सकते हैं। और यार ये शोरूम इतना ज्यादा सीक्रेट है ना कि इसके अंदर जाने का भी रास्ता बहुत ही खतरनाक है। तो ये देखो गाइस मैं इसी रास्ते की बात कर रहा था, हमें उस शोरूम के अंदर जाने के लिए इस खतरनाक ट्रैप को कम्प्लीट करना पड़ेगा। और इस ट्रैप को कम्प्लीट करना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि हमने लास्ट वीडियो के अंदर इतने खतरनाक ट्रैप को कम्प्लीट किया, तो भैया ये क्या है? तो बस हमें यहाँ पे अपनी स्पीड को नॉर्मल रखना पड़ेगा, बाकी हमें ज्यादा स्पीड देनी नहीं है, बिल्कुल आराम आराम से ऊपर जाना है तो हम लोग इजिली ऊपर पहुंच जाएंगे। और यहाँ से हम लोग ऑलमोस्ट ऊपर पहुंच ही चुके हैं बस। अरे 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 ये क्या हुआ भाई, यहाँ पे मेरी गाड़ी अटक गई और मैं काफी ज्यादा ट्राई कर रहा हूँ बट ये निकल ही नहीं पा रही है। गाइस 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 यहाँ पे बुरी तरीके से हमारी कार अटक चुकी है और मुझे नहीं लग रहा कि अब ये निकल पाएगी, तो यार अब हमें दूसरी कार को लाना पड़ेगा। तो ओके गाइस मुझे अभी नीचे ब्लैक ऑडी मिल गई थी जिसको लेके हम आ चुके हैं ट्रैप की छत पे और सामने की तरफ आप लोग देख सकते हो वो शोरूम बना हुआ है और उस शोरूम पे जाने के लिए हमें यहाँ से काफी अच्छी जंप मारनी पड़ेगी एंड इससे एग्जिट करना पड़ेगा क्योंकि अपनी कार तो पार निकल जाएगी बट हमें यहाँ पे आना है। तो अभी हम काफी ज्यादा सेफ लैंडिंग करके आ चुके हैं शोरूम पे, और सेफ लैंडिंग तो नहीं बोलूंगा क्योंकि भाई काफी ज्यादा खून निकल गया अपना। और ये देखो यहाँ पे एक पैराशूट लगा हुआ है, शायद ये पैराशूट से हम लोग नीचे जा सकते हैं, बट आप लोग ये देखो भाई यहाँ पे कितना बड़ा होल हो रखा है और यहाँ पर भी एक होल हो रखा है। गाइस मुझे ऐसा लग रहा है अभी इस शोरूम के अंदर काम चल रहा है, ये शोरूम अभी पूरी तरीके से रेडी नहीं हुआ है और इसी वजह से अभी यहाँ पे काफी कम कार खड़ी हुई है, बट जितनी भी कार है वो भाई
बिलियन डॉलर की कार है। आप लोग देख सकते हो भाई यहाँ पे कितनी सारी कार खड़ी हुई है। अब देखो यहाँ पे अभी कोई भी सिक्योरिटी नहीं है स्टीव की, तो हमें इसी का फायदा उठाना है और सभी कार को ब्लास्ट कर देना है। तो गाइस हमने बजूका निकाल के सभी कार को ब्लास्ट करना स्टार्ट कर दिया है। और गाइस अभी ना ये शोरूम पूरी तरीके से बन के रेडी नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। अगर ये शोरूम पूरी तरीके से बन के रेडी हो जाता ना, तो यहाँ पे बहुत सारी कार होती और यहाँ पे बहुत सारी सिक्योरिटी होती, जिसकी वजह से यहाँ पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। बट चलो अभी ये शोरूम बन के रेडी नहीं हुआ है, इसी का फायदा उठा के हमने यहाँ पे जितनी भी कार थी उन सभी कार को ब्लास्ट कर दिया है। और अब बारी है यहाँ से भागने की, क्योंकि अगर यहाँ पे स्टीव का एक भी बंदा आ गया और उसने हमें देख लिया तो भाई बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें पैराशूट मिल चुका है, फटाफट से यहाँ से निकल लेते हैं। तो ओके गाइस अभी हम अपना पैराशूट लेके आ चुके हैं सीधा जैक के घर पे, और नीचे स्विमिंग पूल है, तो भैया थोड़ा मस्त यहाँ पे नहा लेते हैं, इतनी मेहनत करके आए तो भैया गर्मी लगने लगी। ओके ओके भैया चलो यहाँ पे अपना नहाना धोना तो हो गया, अब फटाफट से जैक को बुलाते हैं और उसको बता देते हैं कि हमने उसका काम कर दिया है। फटाफट से उसको फोन लगा के बाहर बुलाते हैं। तो ओके गाइस फाइनली काफी देर बाद जैक यहाँ पे आ चुका है और ये अपनी गोल्डन फरारी भी लेके आया है। अब पता नहीं ये गोल्डन फरारी हमारे लिए लाया है हमें देगा भी या नहीं देगा, वो तो इससे बात करके ही पता चलेगा। तो चलो फटाफट से इससे बात करते हैं और इसको सारी बात बता देते हैं। तो ओके गाइस मेरी जैक से बात हो चुकी है और इसने मुझे गोल्डन लैम्बोर्गिनी तो दे ही दी है, बट इसी के साथ इसने मुझे 1 मिलियन डॉलर भी दे दिए हैं। और जैक मुझसे कह रहा है कि अगर तुम मेरे लिए ऐसे ही काम करते रहे तो मैं तुम्हें आगे चल के बहुत सारा पैसा दूंगा एंड तुम्हें एक न्यू हाउस भी गिफ्ट करूंगा। तो गाइस आप लोग मुझे कमेंट में जाके बताओ क्या मुझे जैक के लिए हमेशा काम करते रहना चाहिए या फिर मुझे अपने लिए कुछ अलग करना चाहिए, जल्दी से मुझे कमेंट में जाके बता दो। और जैक ने मुझसे ये भी कहा था कि ये मुझसे एक और काम करवाना चाह रहा है जो कि शायद हमारे आज के काम से भी ज्यादा मुश्किल है एंड उसमें हमारी जान भी जा सकती है, बट भाई पता नहीं वो कौन सा काम होगा। बाकी गाइस आज की ये वाली वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको आज की ये वाली वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो एंड अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।